देसी घी की अगर स्मेल नहीं आई ना तो अड़ती से उठ के बैठ जाएंगे। अब क्या नई फरमाइश है बुड्ढे की? कम से कम 5,000 लोगों को बुलाना तेरा ही में। डेट तो तुम्हारे मरने के बाद ही पता चलेगी। साईं मरोगे तभी तो हमारे पास आओगे। इस बुड्ढे के मरने में 25 लाख रुपए खर्चा करेंगे, इससे तो अच्छा है ग्रेटर नोएडा में 2 BHK फ्लैट में ले लेंगे। नाश्ते के बाद ब्लड प्रेशर की टैबलेट मत खाना। क्यों? अबे हार्ट अटैक से मारना है तुझे। 51 तरह के पकवान चाहिए उनको अपनी तेरे में। बुड्ढा मर रहा है, ये शादी रचा रहा है। मेरी अर्थी के लिए कौन सी लकड़ी का इंतजाम किया है? चाइनीज। ना ना बेटा, वो तो बीच में ही धोखा दे देगी। अरे तो आप बता दो ना कि आप कौन सी लकड़ी में चलोगे। मेरी अर्थी में चंदन की लकड़ी यूज करना। चंदन की लकड़ी बहुत महंगी है पिताजी। फिर तो मैं अपना मरना बेटा कैंसिल कर रहा हूँ। नो 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 नो। शीला आंटी आपको पूछ रही थी। क्या बोल रही थी बेटा? यार तुम तो उठ के बैठ गए पिताजी। सॉरी बेटा, अब बता क्या बोल रही थी। वो कह रही थी भैया जबान के बहुत धनी है, एक बार अगर अपनी जबान दे दी तो समझो दे दी, भैया कभी भी अपनी जबान से नहीं पलटे। तू जा चंदन की लकड़ी का इंतजाम कर। ठीक है पिताजी। कमेंट करके बताओ कि मैं अपनी चिता चंदन की लकड़ी में जलवाऊं या चाइनीज में। नो 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 नो। आप क्या कह रहे हैं? चंदन की लकड़ी मांग रहे हैं। जो मांग रहे हैं दे दो, बुड्ढे से कम छुटकारा तो मिलेगा। यार ऐसा तो मत बोलो, मेरा बाप है वो। केवल तुम्हारे बाप है, मेरे तो कोई लगते ही नहीं है, जैसे मैं तो बहू हूँ ना। चार जितना कर लूं तब भी बहू रहूंगी। अरे राजा बेटा आया पिताजी। बेटे एक बात तो भूल ही गया, गाय का देसी घी मंगा लेना। और हाँ, आजकल मिलावट बहुत हो रही है, सरकारी लैब में जाके चेक करवा लेना। ठीक है पिताजी। क्या बोल रहे हैं? गाय का शुद्ध देसी घी मांग रहे हैं। अरे तो मिलावटी ले लेंगे, इनको कौन सा पता चलेगा, पुराने खैयाड़ हैं, देखते ही पहचान जाएंगे। पर ये तो मर चुके होंगे। देसी घी की अगर स्मेल नहीं आई ना अड़ती से उठ के बैठ जाएंगे। जब मजा आ रहा है तो यार एक लाइक तो बनता है, लाइक तो कर दो। राजा बुड्ढा ऐसे न जाने वाला, जाओ एक और नई फरमाइश सुन के आओ। बेटा तेरे ही का क्या इंतजाम किया है तूने? तुम ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, सही हो जाएगा। पूरी जिंदगी भर हमारी टेंशन ली, अब तुम मरने की टेंशन ले रहे हो। अरे ये टेंशन तो कम से कम हमारे ऊपर छोड़ दो ना। तुम तो सुकून से मरो। कम से कम 5,000 लोगों को बुलाना तेरे ही में। क्या तरह की डिशेस बनवाना खाने में? क्या बोल रहे हो पिताजी? तेरे ही के कार्ड अभी से छपवा दे, वो तो मरने के बाद ही दिए जाएंगे ना। क्यों? अरे डेट तो तुम्हारे मरने के बाद ही पता चलेगी। कल सुबह का नाश्ता करने के बाद चला जाऊंगा परमात्मा के पास बेटा। अब क्या नई फरमाइश है बुड्ढे की? 5,000 लोगों को तेरे ही का खाना। 51 तरह के पकवान चाहिए उनको अपनी तेरे ही में। मेरे तो यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कैसे करूंगा ये सब। बुड्ढा मर रहा है, ये शादी रचा रहा है। अरे तुम टेंशन मत लो, कुछ पैसे का इंतजाम मैं भी कर दूंगी। किसका फोन आ गया? हेलो, मेरे को पता चला है कि तेरे पिताजी परलोक सिधारने वाले। कहां से बोल रहे हो?
मैं ए टू जेड समाधान शॉप से बोल रहा हूँ साईं। मिट्टी में जो सामग्री लगती है ना साईं, वो हमारे यहाँ सारी मिलती है ए टू जेड, और उसको भी हम फ्री होम डिलीवरी करते हैं। बजट बताइए अपना। तो लिखना साईं। 500 किलो चंदन की लकड़ी। 1000 रुपए किलो से 5 लाख की। दिमाग खराब हो गया, इतनी महंगी चंदन की लकड़ी माल डालोगे क्या साईं? मरोगे तभी तो हमारे पास आओगे। परंतु चंदन की लकड़ी असली तो होंगी ना? आज तक किसी मरने वाले ने कंप्लेंट नहीं की साईं। देसी घी गाय का 20 किलो, लेकिन वो भी हमें बिल्कुल प्योर चाहिए। तुम चिंता मत करो साईं, बिल्कुल प्योर मिलेगा। हमने कल ही अपने घर पर जलेबी बनवाई है। ओके, मैं आपको बताता हूँ। कितना बजट हुआ? तुम खुद ही पढ़ लो। नो 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 नो। कमेंट अभी मत करना, पूरा एपिसोड देख के कमेंट करना। मैं अगर पूरे गहने भी बेचूंगी ना, तब भी पैसा कम पड़ेगा। लगता है लोन लेना पड़ेगा। अरे इस बुड्ढे के मरने में 25 लाख रुपए खर्चा करेंगे, इससे तो अच्छा है ग्रेटर नोएडा में 2 BHK फ्लैट में ले लेंगे। मैं अभी जाके पिताजी को बोल देता हूँ कि मरना कैंसिल करो, हमारे पास नहीं है पैसा। मरना तो पड़ेगा बेटा, 3 बार एक्सटेंशन दे चुका हूँ, इस बार नहीं मानने वाले वो। बात तो करो। कल सुबह आ रहा हूं यमराज जी चरण स्पर्श। नाश्ता वास्ता कर लिया 8 बजे तक, थोड़े दिन की और मोहलत दे देते। अरे चुप अरे चुप। कितने और एक्सटेंशन लेगा? नाश्ते के बाद ब्लड प्रेशर की टैबलेट मत खाना। क्यों? अबे हार्ट अटैक से मारना है तुझे। क्या बोले पिताजी? कल सुबह की तैयारी करो बेटा। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकॉन है ना, इसमें जो ऑल का बटन है, इसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इसको दबा देंगे ना तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको YouTube भेजता रहेगा। अच्छा, कमेंट करके एक बात और बताओ कि मेरी चिता चंदन की लकड़ी में जली या चाइनीज लकड़ी में।